गुड मॉर्निंग क्लास 8, डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट योर चैप्टर नंबर 8 मोर ऑन C++ रनिंग फॉर रिवीजन. डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल कवर्ड मैक्सिमम टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, बट सम टॉपिक्स आर रिमेनिंग फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर रिवीजन. डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट जो हम लोगों की लाइव क्लास रन हुई थी, तो नेटवर्क इशू की वजह से लाइव क्लास रेगुलरली हम लोग रन नहीं कर पाए, और उस दिन का जो हमारा टॉपिक था वो एक्सप्लेन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया नेटवर्क इशू की वजह से. तो आज हम लोग वो टॉपिक कवर करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे. यानी हमारा टॉपिक था कंडीशनल एक्सप्रेशन, यानी कंडीशन बेस्ड जो एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि इफ़ होता है, इफ एल्स होता है, नेस्टेड इफ होता है, और एक इसी में आपका स्विच केस स्टेटमेंट होता है. तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे. तो कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, तो कंडीशनल ऑपरेटर में आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स हम लोगों ने वहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ा था. तो यहाँ पे हम लोग उन ऑपरेटर्स का यूज़ करके कंडीशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे कंडीशनल एक्सप्रेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए. तो आपका इफ होता है, सेकेंड आपका होता है इफ देन एल्स होता है, इसके अलावा आपका इफ एल्स इफ होता है, ठीक है. तो ये तीन कंडीशंस बनते हैं यहाँ पे. तो इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसको यूज कैसे करते हैं. तो यूज करने के लिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक्सप्रेशन प्रिंट करना है, जैसे इफ है तो आपको कोई एक्सप्रेशन प्रिंट करना है, तो एक्सप्रेशन प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पे दिया जैसे इफ, ठीक है, एक कंडीशन आपने दिया. तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, इफ ए ग्रेटर देन बी. सपोज दैट ये हमने प्रोग्रामिंग में अपना स्टेटमेंट दिया है कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो क्या हो, अगर ये कंडीशन हमारा क्या होता है, ट्रू हो, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो तो क्या हो, सी आउट, सी आउट दैट मीन्स क्या होता है, ये आपका आउटपुट फंक्शन है, यानी कोई भी मैसेज प्रिंट कराने के लिए सी आउट का हम लोग यूज करते हैं. तो सी आउट ए इज ग्रेटर, तो मैसेज क्या प्रिंट किया होकर क्या है, ए इज ग्रेटर. तो इस कंडीशन पे, यानी ये कंडीशन जब ट्रू होता है तो उसके लिए ये स्टेटमेंट हमारा काम करेगा. तो ये वर्क किसका होता है, इफ स्टेटमेंट का. अब इसी तरह आपका इफ एल्स भी होता है. तो इफ एल्स में क्या होता है, तो इफ के लिए तो आप यहीं पे स्टॉप हो गया, सीमित हो गया. अब इफ एल्स में क्या होगा, कंडीशन कैसे बनेगा, मान लीजिए इसी कंडीशन को हम लोग कंसिडर करते हैं फिर से, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मैसेज क्या है, सी आउट ए इज ग्रेटर एल्स. अब इसी में जब हम else वाले पे आएंगे तो यहाँ पे else लगेगा, else अगर ऐसा नहीं होता है तो, यानी ये condition true ना होकर के क्या हो, false हो. अगर ये condition false होती है तो क्या print होकर के, see out what b is greater, यानी अगर a नहीं बड़ा होगा तो फिर कौन सा बड़ा होगा, b बड़ा होगा, और अगर b नहीं बड़ा है तो a बड़ा होगा, क्योंकि दो ही ऑपरेटर्स हैं, तो दो ऑपरेटर्स में कोई ना कोई एक दूसरे से बड़ा होगा ही. तो ये आपका कौन सा कंडीशन बन गया, ये इफ एल्स बन गया. यहां तक ये सिर्फ इफ बना, और अगर हम लोग पूरा लेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, इफ एल्स कंडीशन. अंडरस्टैंड. अब हम लोग तीसरे कंडीशन पे आते हैं, इफ एल्स इफ, ठीक है. तो इफ एल्स इफ कैसे वर्क करता है, जैसे हमने यहां पे इफ लगाया, इफ ए ग्रेटर देन बी, तो मैसेज आया ए इज ग्रेटर. यहां पे एक हम नया कंडीशन बना सकते हैं, एल्स इफ, इस तरह से एफ एल्स इफ व्हाट, सी ग्रेटर देन बी. इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये लाइन ऑफ कोड रन करेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है एल्स इफ पे, अगर सी है बड़ा है ए से, तो यहां पे सी आउट क्या है, यहां पे सी इज ग्रेटर. तो ये आपका कौन सा कंडीशन कहलाएगा, इफ एल्स इफ. ओके, इसको हम लोग नेस्टेड इफ भी बोल सकते हैं. नेस्टेड इफ का मतलब होता है, यानी एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन, यानी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में, यानी एक इफ के बाद दूसरा इफ.
तो इसको हम लोग इफ एल्स इफ भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसको नेस्टेड इफ भी, यानी इफ एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरा इफ कंडीशन। ओके, तो ये चीज होता है। तो इसको हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशंस बोलते हैं, और कंडीशनल एक्सप्रेशंस का यूज प्रोग्रामिंग में होता है, जैसे आपको ग्रेटर नंबर या मिनिमम नंबर या फिर आपको इवन ऑड निकालना है, तो इस तरह के जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कंडीशनल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए एक टॉपिक हम लोग और देखते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्विच केस स्टेटमेंट का यूज कहाँ पे होता है ये देखते हैं। टॉपिक है स्विच केस स्टेटमेंट। तो स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है कि अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अ वैल्यू अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जैसे होता क्या है कि कभी कभी हम लोग ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं कि एक ही प्रोग्राम में हम लोग सम का भी कोड, मल्टीप्लीकेशन का भी, सब्सट्रैक्शन का भी और डिवीजन का भी, सारे प्रोग्राम हम लोग एक, जैसे कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर में जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि सम भी होता है, परसेंटेज भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एवरेज एंड परसेंटेज, सारे फंक्शंस होते हैं। तो उसी तरह से ये आप कह सकते हैं कि वो जो फंक्शन होता है, वो जो प्रोग्रामिंग होती है कैलकुलेटर की, वो आप स्विच केस स्टेटमेंट पे कर सकते हैं। अब ये हम लोग कैसे करते हैं स्विच केस स्टेटमेंट का, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एक्सप्रेशन लगाते हैं स्विच। तो जैसे हमने लगाया यहाँ पे स्विच और एक्सप्रेशन दिया यहाँ पे, जो भी एक्सप्रेशन रहेगा फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे केस वन होगा, पहले केस वन मान लीजिए, केस वन आपका है सम के लिए, तो यहाँ पे क्या होगी, सम की कोडिंग होगी। उसके बाद आपका होगा केस टू, ये आपका सब्ट्रैक्ट का है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट की कोडिंग होगी। इसी तरह से केस मैक्सिमम केस आप बढ़ाते चले जाएंगे। तो उसके बाद जब लास्ट में आपका डिफॉल्ट कीवर्ड होगा, यानी सारे केस करने के बाद आपका होगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मीन्स क्या होता है कि अगर कोई भी केस आप नहीं देते हैं, कोई भी केस आप या आउट ऑफ केस आप कोई वहां पे ऑप्शन चूज करते हैं, तो यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज में एरर आ जाएगा कि आपने वैलिड की, आपने कोई नहीं किया। जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो अगर आप वन प्रेस करेंगे, जैसे केस वन में सम का है, तो कौन सा प्रोग्राम आपका रन होगा, सम का प्रोग्राम चलेगा। टू आप करेंगे तो आपका सबट्रैक्ट का प्रोग्राम चलेगा। थ्री में आपने मल्टीप्लीकेशन दिया है तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम चलेगा। तो इस तरह से आप स्विच केस स्टेटमेंट का, यानी ये क्या होता है कि स्विच केस स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आप अलग अलग प्रोग्राम्स एक ही स्टेटमेंट में कवर कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट आप उसको बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप स्विच केस स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आपके कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स के एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको एरिया निकालना है, यानी मान लीजिए कि आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सपोज दैट अगर आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, C++ में। तो C++ में अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उसके लिए हमारे पास जो होता है उसका जो बेसिक लेआउट होता है हमारे माइंड में होना चाहिए। बेसिक लेआउट दैट मींस क्या होता है कि जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रायंगल का जो एरिया निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं। तो जब वो चीज आपके माइंड में रहेगा तो प्रोग्राम आप आसानी से डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम एक प्रोग्राम का, शॉर्टकट में लिख रहे हैं हम राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एग्जांपल राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंसर्ट करते हैं। तो हेडर फाइल लेते हैं, तो हेडर फाइल इंसर्ट करेंगे हैश include iostream.h। ठीक है, दूसरा हमारे पास हेडर फाइल होता है include conio.h। अंडरस्टैंड, तो हेडर फाइल हो गया। अब हेडर फाइल के बाद हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं।
वाइड मेन, फिर ओपनिंग ब्रेस ओपन करते हैं, सी एल आर एस सी आर हमें आपको बताया था यानी क्लियर स्क्रीन, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अगर कोई गार्बेज हो आपके प्रोग्राम में तो डिलीट हो जाए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं, अब जैसे ट्रायंगल के एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ट्रायंगल अगर आपको एरिया निकालना हुआ तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, एरिया मान लीजिए ए से करते हैं। तो अगर ये आपका मान लीजिए फॉर्मूला बना ट्रायंगल का एरिया निकालने का, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यानी तीन हमें निकलना है, यानी ए बी और एच, इस तरह से हमें हम क्या करेंगे, तीन हमने इंटीजर यहां पे लगाया। अब इसके बाद मैसेज देंगे, यहां पे मैसेज देंगे सी आउट करके, सी आउट एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसके बाद सी इन यानी इसको स्टोर कराएंगे, ठीक है ना, एंटर द बेस ऑफ ट्रायंगल। अब सी इन में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कराएंगे, यानी बेस किसे है, बी से, तो बी हमने दे दिया। फिर दूसरा मैसेज देंगे सी आउट एंटर द हाइट ऑफ ट्रायंगल, तो इसकी हाइट हमने ली। अब फिर से हम लोग सी इन करेंगे और सॉरी सी आउट का जो ये मार्क होगा इस साइड का होगा और सी इन का इस साइड का होता है, सी इन एच, ठीक है। तो अब ये हो गया, अब इसको आप कीबोर्ड से एंट्री करेंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब एरिया के लिए फॉर्मूला बना देंगे यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला लेंगे ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बी बेस इंटू हाइट, तो ये ए इसका फॉर्मूला बन गया। अब फॉर्मूला के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सी आउट करा देंगे, सी आउट का मतलब एक मैसेज दे देंगे यहाँ पे, यहाँ पे यानी सी आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, ठीक है, तो किससे हमने डिवाइड किया, ए से, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ए लगा देंगे, तो यहां पे ए हम लोग दे देंगे, तो ये दिए भैया, ये मार्क लगाएंगे ए, ठीक है। लास्ट में आपका गेट सी एच और यहां से प्रोग्राम क्लोज। तो ये छोटा सा प्रोग्राम बना, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। तो इसी तरह से आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, पेज नंबर 97 से लेकर के 98 पे है, 99 पे है और पेज नंबर 100 तक, यानी आपके पेज नंबर 97 से लेकर के 100 तक बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं, उनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा और आपके एग्ज़ाम के लॉन्ग आंसर में सी प्लस प्लस के कोई ना कोई एक प्रोग्राम्स जरूर आएगा और प्रोग्राम की अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरह से प्रोग्राम बनाया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपको दो नंबर्स को ऐड करना है तो वहाँ भी हम ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ए बी सी, फिर मैसेज देंगे कि एंटर द फर्स्ट नंबर, फिर ए को यहाँ पे सीन करेंगे, फिर एंटर द सेकेंड नंबर, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लास्ट में इसको हम, तो इस तरह से हम दो नंबर्स को ऐड करने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। अंडरस्टैंड, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग कैसे बनाते हैं सी प्लस प्लस में, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम लोग छोटी छोटी प्रोग्रामिंग्स इसमें करते हैं। तो यहाँ से डेस्टूडेंट्स इस चैप्टर का रिवीजन आपका एंड होता है और आइए आज का हम लोग होमवर्क देख लेंगे। डेस्टूडेंट्स आज का होमवर्क है, तो ये तीन क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू ऐड टू इंटीजर नंबर्स, यानी दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है आपको। एक्सप्लेन स्विच केस स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल, स्विच केस स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन इफ एल्स स्टेटमेंट विद एन एग्जांपल और इफ एल्स स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग आज का वीडियो एंड करेंगे और आई होप नेक्स्ट वीक से आपका पीरियोडिक टेस्ट एग्जाम चालू हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करिएगा और
आप लोगों को पता होगा कि 10 नंबर्स का आपका वाइवा होगा और 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो 30 मार्क्स का जो पेपर होगा वो लिंक के थ्रू होगा और उसमें सारी वैरायटीज आपको दी जाएगी। वैरायटीज दैट मींस आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, आपके मैचिंग क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, ओके, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। एक न्यू क्वेश्चन टाइप होगा आपका केस बेस्ड स्टडी का, यानी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा, जैसे आपको इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है, उसमें से आप आंसर्स सर्च करके आप क्वेश्चन के आंसर देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी होगा। एक पैराग्राफ आपको मिलेगा और इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन होंगे और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में छुपा हुआ होगा, आपको फाइंड करना है और आंसर आपको लिखना है। तो ये केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको इस बार मिलेंगे, ओके। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू क्लास।